हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या होगी हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 3 मीटर, बी 4 मीटर, सी 5 मीटर और डी 6 मीटर। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम मानेंगे। तो क्या मानेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना कि छड़ी की लंबाई या कुल लंबाई मान लेते हैं, कुल लंबाई बराबर 1 मीटर है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। ओके, अगली चीज़ हम क्या मान सकते हैं, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मान सकते हैं तब कीचड़ में स्थित छड़ी की लंबाई बराबर हम मान सकते हैं 2 x 15 मीटर। ठीक है, इसको मैं मीटर लिख देता हूँ, ये हम लोग मान सकते हैं। क्लियर है। तथा पानी में स्थित छड़ी की लंबाई बराबर बराबर क्या मान सकते हैं, तो 1/5। ठीक है, 1 x 5 मीटर ये हम मान सकते हैं। क्लियर, इतना हमें इतनी चीज़ें माननी है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में कुल छड़ी के 3 भाग दिए हुए हैं। ठीक है, एक भाग की लंबाई दी हुई है 2 मीटर, बाकी जो 2 भाग है उसको हमने मान लिया है कि पहला भाग जो है 2 x 15 मीटर है तथा दूसरा भाग जो है 1/5 x मीटर है, और वहीं तीसरा भाग जो है वह कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ छड़ी का पहला भाग बराबर कितना माना हमने, तो इसको हमने माना है 2 x 15 मीटर। ठीक है, वहीं दूसरा भाग बराबर क्या माना हमने, दूसरा भाग बराबर है 1/5 x 1 x/5 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, वही तीसरा भाग बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तीसरा भाग बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2 मीटर। क्लियर, इतना। अब देखिए जब हम इन तीनों भागों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारी x का जो मान है वो निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीनों भागों को जोड़ने पर क्या वैल्यू आती है उसको देखते हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं छड़ी के तीनों भागों का योग बराबर 1 मीटर। तीनों भाग को जब जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा, 1 मीटर आएगा, क्योंकि हमने कुल लंबाई क्या मानी हुई है, 1 मीटर मानी हुई है। ठीक है, तो चलिए मार रख देते हैं। मार रखने पर पहला भाग हमने कहा 2 x/15 मीटर प्लस में, दूसरा भाग क्या कहा हमने, 1 x/5 मीटर प्लस तीसरा भाग कितना है, तो ये 2 मीटर है। ये किसके बराबर होंगे, तो x के बराबर होंगे, इनका योग जो है 1 मीटर के बराबर होगा। क्लियर है। ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे ये जो 15 दिया हुआ है हर में, और जो 5 दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 2 के नीचे में कुछ नहीं है। ठीक है, तो 2 अगर अंश है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इसके नीचे में 1 क्या है, हर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 है, 5 है और 1 है, उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम किनका निकालना है हमको, तो 15 का, 5 का और 1 का। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से भाग देंगे, क्योंकि 15, 5 और 1 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 5 जो है भाग नहीं जाता 3 से, इसलिए 5 का 5 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, अब 5, 5 और 1 को 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो 5 एक बार में चला जाएगा, ये 5 भी एक बार में चला जाएगा, और 1 भाग नहीं जाएगा, इसलिए 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे ये जो वैल्यूज दी हुई है उसका आपस में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 5, और 3 × 5 कितना होता है, 15। तो जो एलसीएम आया 15, 5 और 1 का, जो एलसीएम आ रहा है वह कितना आ रहा है, तो वह आ रहा है 15। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम रख देते हैं। ओके, इस एलसीएम का मान रखकर हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम का जो मान है वह कितना है,
तो एलसीएम का मान आया हमारा 15, ठीक है। तो इसको 15 को हर की जगह पे लिख देते हैं। अब देखिए ये जो 15 है उससे इस एलसीएम वाले 15 को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है, और जब ये एक बार में जाएगा तो उस एक का गुना जो है किसके साथ में होगा, तो उस एक का गुना जो है अंश के साथ में होगा, 2x गुना 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 2x, इतना ही आएगा ना। जब 2x का गुना 1 से करेंगे तो मान क्या आएगा, 2x ही आएगा। उसके बाद में क्या है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हर में क्या है, 5 है, तो इस 5 से हम क्या करेंगे, इस 15 को भाग देंगे। तो 5 से जब इस 15 को भाग दिया जाएगा तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक है। अब जितनी बार में जाता है उसका गुना हम क्या किससे करते हैं, अंश से करते हैं। तो चलिए उसका गुना अंश से कर देते हैं, तो गुना हो जाएगा 3, ठीक है। तो 1x गुना 3, तो मान कितना आएगा, यह आ जाएगा 3x, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है तो उसको लिख देते हैं प्लस। अब यहाँ पे देखिए हर में 1 है, तो 1 से जब 15 को भाग देंगे तो ये 15 बार में जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया जितनी बार में जाता है उसका जो गुना है वो हर के साथ, सॉरी अंश के साथ करना होता है। तो चलिए अंश के साथ में गुना कर देते हैं, तो 1 से भाग देने पर ये 15 बार में जाएगा, इसलिए 2 गुना 15, तो मान कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे मान आ जाएगा हमारा 30, 15 दूनी 30, ठीक है। इधर बराबर में क्या है, 1 से, क्लियर इतना, ओके। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या है, तो हमारे पास वैल्यूज़ है ऊपर में 2x, प्लस में 3x, प्लस में 30 और बटे में 15, और बराबर में क्या है, इधर 1 है। अब आगे क्या होगा, ये जो 15 है हर में उसका पक्षांतर होगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है, या फिर x के साइड पे हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, ओके। हमारे राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर वैल्यूज़ क्या क्या बचेंगी, तो यहाँ पर बचेगा 2x, 3x और 30, बराबर इधर 15 जो है, जब पक्षांतर होगा तो x के साथ में गुने में चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे किस में है, लेफ्ट हैंड साइड पे किस पे है, तो बटे में है या भाग में, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2x और 3x दोनों जुड़ जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारा 30, ठीक है। हमारे पास वैल्यू कितना है, 30 है, ओके। बराबर 15 का गुना जब x के साथ करेंगे तो हमारा मान आएगा कितना, 15x, क्लियर इतना, ओके। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये जो x वाली वैल्यू है, 5x जो है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे, उसका पक्षांतर होगा राइट, हमारे राइट हैंड साइड पे, ठीक है, यानी कि 15x के साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, इधर बचेगा 30 बराबर में 15x, 5 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, क्योंकि इधर ही प्लस में, तो ये हो जाएगा 5x, ओके, इतना क्लियर है, ओके। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, 30 है इधर लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर कितना, तो ये है 15x माइनस में 5x। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 30 का 30 होगा, 15x में से 5x जब जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10x, क्लियर इतना। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 10x बराबर में 30, ठीक है, मान तो वही होगा, ओके। अब चलिए हमने इसको 10x बराबर 30 लिख दिया, मान वही होगा, ठीक है, वैल्यूज़ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको आप 30 बराबर 10x लिखो या 10x बराबर 30 लिखो, इनका मान सेम है, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 10 है उसका पक्षांतर करेंगे 30 के साइड पे, या फिर हमारे राइट हैंड साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और 10 यहाँ पे गुने में है, पक्षांतर होने पर वो बटे में या भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब जब आगे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 30 को जब 10 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो ये होगा 10 एकम 10, और 10 दिया 30, ठीक है। यानी कि x का जो मान आ रहा है यहाँ पर, x बराबर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, 3 मीटर, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। x हमने क्या माना है, तो x हमने छड़ी की कुल लंबाई मानी है, तो छड़ी की जो कुल लंबाई है वह कितनी आ रही है, तो आ रही है 3 मीटर, ओके। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 3 मीटर दिया हुआ है, ओके ओके। जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 3 मीटर दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक छड़ी जिसका 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में, तथा शेष भाग 2 मीटर ऊपर है, उस छड़ी की जो कुल लंबाई होगी वह होगी 3 मीटर, ओके। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।